अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज सबसे अच्छे और सबसे सस्ते नकाब आपको कहाँ मिलेंगे मदीने में, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमने यहाँ पर हर चीज़ देखी है, कहाँ पर सस्ता है कहाँ पर महंगा है। हमने बहुत सारी दुकानें देखी हैं तो पर एक ही डिज़ाइन का नकाब आपको कहीं पर 50 का मिलेगा, कहीं पर वही डिज़ाइन 120 रियाल का, 120। तो इस तरह से मैंने बहुत जगह इस तरह से देखा है, पर जहाँ पर सबसे अच्छे हमें नकाब मिले हैं और हमने बार्गेनिंग भी करी है। और जब भी आप जाएँ और आप अच्छी बार्गेनिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग होती है। अगर आपको कोई 120 रियाल का बताएगा, 120 रियाल का, तो आप 50 रियाल तक लगाइए आराम से। और ये लोग देंगे भी, क्योंकि हमने खुद ख़रीदा है और जहाँ से हमने ख़रीदे हैं नकाब वहाँ हम आपको लेकर चल रहे हैं। क्योंकि मैंने दो नकाब ख़रीदे थे, एक मक्के से ख़रीदा था एक मदीने से ख़रीदा था, तो इसलिए हमने मक्के की भी आपको वीडियो दिखाई बनाकर और मदीने की आज हम डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये है बिल्कुल हरम शरीफ के 331 गेट नंबर के हम पास में खड़े हुए हैं, यहीं जो सामने मार्केट है नकाब की और बुरखे की। बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के हैं और आपको हर तरह के प्राइस के मिल जाएंगे। 40 रियाल है, 40 रियाल, 50 रियाल, 50 रियाल के, 65 रियाल के। और अगर आपको कोई 120 रियाल का बताता है या 150 रियाल का बताता है तो आप फौरन 60-65 रियाल लगाइए, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे लेने तो हमें वहाँ यहाँ पर 120 रियाल का नकाब बताया था बुरखा, तो मैंने यहाँ पर 65 रियाल लगा दिए थे, तो उन्होंने 65 रियाल का ही हमें दिया, क्योंकि हमने कहा था कि हम लेंगे नहीं, 65 का ही लेंगे, तो उन्होंने फिर मुझे 65 रियाल का दिया है। तो आप यहाँ पर हम चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं एक से एक अच्छे नकाब बुरखे जो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। क्योंकि जो दुकानें होती हैं ना, तो एक कोई फिक्स दुकान नहीं होती है कि आपको एक फिक्स दुकान में अच्छे नकाब मिलेंगे। आप जाइए, दो चार दुकानें जो हैं यहाँ पर, आप सारी दुकानों पर देखिए और सारी दुकानों पर जो प्राइस हैं, जो रियाल लिखे हुए हैं, उसमें से आप कम करवाइए, जितने हो सके आप कम कराइए, आधे आधे लगा दीजिए। और बाकी जो बच्चों के मतलब का सामान होता है, हिजाब होते हैं, नकाब होते हैं, टोपियां होती हैं, मैक्सी होती हैं, तो सारे प्राइस ऐसे होते हैं ना, आप सब में कम करवा सकते हैं। तो ये हमने कुछ बच्चों के लिए भी यहाँ से सामान ले लिया था, जो ना नमाजें थी, और टोपी वगैरह भी लिए यहाँ से, हिजाब भी लिए, तो 5-5 रियाल के यहाँ पर इस दुकान पे हमें बहुत अच्छे मिल गए थे। और जो मैंने यहाँ पे बुरखा ख़रीदा है, ये हमने ख़रीदा है 65 रियाल का, जो 120 रियाल का मुझे बताया था। और जा नमाजें भी ये लगी हुई हैं, कोई 15 रियाल की हैं, कोई 20 की हैं, कोई 10 की हैं, तो इस तरह से अलग अलग प्राइस की जा नमाज भी हैं। आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, सामान बहुत अच्छा है और पर आपको यहाँ प्राइस भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बिल्कुल भी कुछ महंगा नहीं दिखेगा। और ये आप देख सकते हैं, ये मुझे अबाया बहुत अच्छा लग रहा था, पर ये जो है ना, जो स्किन कलर का था, मतलब क्रीम कलर का जो अबाया था ना, ये मेरे साइज़ का नहीं था, बहुत बड़ा था, बहुत ढीला था। और उसके बाद मुझे एक और अबाया अच्छा लगा था ब्लैक कलर का, तो मैंने वो लिया है यहाँ से, और वो हमने 65 रियाल का लिया है। और आपको हम आगे दिखाएंगे जहाँ से मैंने और भी शॉपिंग करी है, और भी बहुत अच्छे अच्छे हमने ख़रीदे हैं, तो हम आपको सारी दिखाएँगे। तो आप देख सकते हैं, इसमें हमने प्राइस भी डाल रखे हैं 50 रियाल और 65 रियाल का। तो ये यहाँ पर सारी शॉप है, बहुत अच्छी डिज़ाइन है, आप ज़रूर यहाँ पर आइए। अगर मदीने आए हुए हैं, उमरा करने आए हैं, तो आपके लिए बेस्ट है, आप यहाँ पर आइए मार्केट में, यहाँ पर आप सारी शॉपिंग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कम करवाइए, पैसे बहुत कम करते हैं। ये ब्लैक कलर का जो अबाया है, बुरखा है, ये हमने ख़रीदा है अपने लिए और ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके इन्होंने प्राइस बताए थे 120 रियाल का, तो पर 120 रियाल हम लोगों ने नहीं दिया, हमने 50 रियाल लगा दिया था, पर 50 रियाल का तो इन्होंने नहीं दिया था हमें, तो 65 रियाल का लास्ट था कि 65 का लेना है तो ले लीजिए वरना नहीं देंगे। तो पर हम लोगों ने सोचा चलो इतना कहने से अच्छा 65 का ही ले लो, बहुत कम से कम लगा के। तो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे दुकानें थी, इसी की लाइन पे ही दुकानें थी, तो ये था 60-80 और 60 और 80 रियाल का बुरखा था, 60 और 80 रियाल का। तो यहाँ पे मैक्सी वगैरह भी आपको मिल जाएंगी और बुरखे की डिज़ाइनें भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमारी ये दुकानें थी लाइन से, तो हमने बहुत सारी इस तरह से दुकानें देखी हैं। और इसमें आपको ये 100 रियाल के थे सारे नकाब जो लगे हुए थे, 100 रियाल के थे, कुछ 60 रियाल के थे,
और इसमें जो हिजाब आपको मिल जाएंगे वो भी अलग अलग रियाल के मिलेंगे, पर आप इसको कम करवाइए और आपको वो कम करके भी देंगे। तो ऐसे सारी डिज़ाइनें थी, बहुत अच्छा था। जब इंसान मदीने जाता है उमरा करने के लिए तो लगता है कि हाँ हम अपने लिए कुछ ले कर जाएँ और कुछ घर वालों के लिए ले कर जाएँ, कुछ गिफ्ट दे दें, तो इस तरह के आप ले सकते हैं। तो बस ऐसे आपको हम सारे आपको मार्केट दिखा दी है, हरम शरीफ के जस्ट सामने है, ये सारे नकाब हैं। यहाँ पे पूरी आपको गोल्ड की भी दुकानें मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छा सामान मिलता है गोल्ड का, आप गोल्ड की भी शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी आपको लाइन से गोल्ड की सारी दुकानें मिलेंगी और सामान भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमने भी यहाँ से ख़रीदा है और क्वालिटी भी यहाँ बहुत अच्छी होती है हर चीज़ की। सोना यहाँ का ख़राब नहीं होता है, क्योंकि हम भी ख़रीद के लेके आए थे एयर रिंग, वो अच्छे हैं और सोना भी उसका बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ से गोल्ड का भी सामान ख़रीद सकते हैं और इसके आगे आपको और सारी मार्केट मिलेंगी और गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं, बच्चों के टॉयज भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जगह जो है ना, गेट नंबर 331 हरम शरीफ के जस्ट सामने आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और बस इसी के सामने जो हम निकलेंगे तो यहाँ से फूड कोर्ट मिलेगा, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे फूड कोर्ट का पूरा वीडियो कि कहाँ पर खाने की चीज़ें अच्छे से अच्छी मिलती हैं, पाकिस्तानी होटल्स हैं और भी हर चीज़ अच्छे से अच्छी मिलती। तो हम लोग टहलते हुए निकल गए थे तो वहाँ का हमने अलग ब्लॉग बनाया, इंशाल्लाह वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे फूड कोर्ट का। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह हम आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।